ब्लीच थाउजेंड ईयर ब्लड बोर्न, जिसका कि पार्ट वन दिसंबर 2022 में खत्म हुआ था। उसके बाद से ही हमको इसके पार्ट टू के लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार करना पड़ा। ब्लीच के एपिसोड 13 में जिस क्लिफ हैंगर पर हमको छोड़ा था, उसके बाद से तो इंतजार करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन फाइनली इतना लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि ब्लीच थाउजेंड ईयर ब्लड बोर्न के पार्ट टू 8 जुलाई 2023 को रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हमें वो वाला शब्द फिर से सुनाई देगा। लेकिन उससे पहले ब्लीच थाउजेंड ईयर ब्लड बोर्न के पार्ट वन में हुआ क्या था? इचिगो अपनी दुनिया के अंदर नॉर्मल तरीके से सोल रिपर बन के होलोस को खत्म कर रहा था, तभी सोल किंग या वॉच, जो कि अपनी हजार साल पुरानी दुश्मनी का बदला लेने लौटता है, सबसे पहले वो ह्यूको मुंड और सोल सिटी के अंदर बहुत ही बुरी तरह हमला करता है। यह वॉच इतना ज्यादा ताकतवर है कि सोल सोसाइटी के सबसे ताकतवर हेडमास्टर यामामोटो को अपनी तलवार के साथ बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। और जब इचिगो को ये बात पता चलती है, तो वो बहुत ही गुस्से में सोल सोसाइटी की तरफ जाता है, जहाँ पहुंचकर इचिगो देखता है कि सोल सिटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब वो यह वॉच को चैलेंज करता है, लेकिन यह वॉच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इचिगो भी उसके सामने नहीं टिक पाता और इचिगो की जंपक्तु भी टूट जाती है। उसके बाद यह वॉच सोल सोसाइटी को धमकी देकर चला जाता है कि वो वापस हमला करेगा, इसलिए तैयार रहना। अब लास्ट में इचिगो नई जंपक्तु बनाता है, और उसके बाद हमें लास्ट में एक ट्विस्ट पता चलता है। इचिगो का दोस्त इशिदा और यो अपनी मर्जी के साथ यह वॉच के साथ उसकी दुनिया में है। इसी के साथ ब्लीच थाउजेंड ईयर ब्लड बोर्न के एपिसोड 13 खत्म हो गया था, और अब पार्ट 2 का ट्रेलर भी आ चुका है। तो अब ब्लीच पार्ट 2 के ट्रेलर को देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो फिर जिस ट्विस्ट के साथ ट्रेलर खत्म हुआ था, वहीं पर हमें बता दिया है कि यो वॉच बोलता है कि इशिदा मेरा अगला सक्सेसर बनेगा। पर अब हमें इस कोर का नाम बताया जाता है, जो कि है द सेपरेशन। वहीं सोल सिटी में इतनी तबाही देखकर वहां के सोल रिपर बोलते हैं कि कोई बताएगा कि यहां पर हुआ क्या और जिसने ये किया है वो आखिर है कौन। वहीं सोल पैलेस में इशिदा बोलता है कि मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। वहीं बाकी की आर्मी बोलती है कि हमें उन सारे शिनिगामी की जंपक्तु तोड़कर उनकी स्पिरिट को ही तोड़ देना है। दूसरा सोल रिपर बोलता है कि हजार साल की शांति ने सोल रिपर्स को कमजोर बना दिया है। अब हमें इचिगो अपने बैडएस लुक में दो जंपक्तु के साथ दिखाया जाता है। अब यह वॉच लड़ने के लिए तैयार दिखाया जाता है, और वो बोलता है कि उनकी छोटी सी होप आज यही खत्म होगी। और अब हमें ब्लीच के कोर 2 में देखने वाले कैरेक्टर्स के थोड़े थोड़े सीन और उसके साथ होने वाली लड़ाई की कुछ झलक जल्दी जल्दी दिखाई जाती है, और इसके साथ ही हमारा लीजेंडरी विलन आइजन, जिसे कि सब कुछ पता है, वो भी हमें दिखाया जाता है। और अब आइजन का कैप्टन शिंजी हिरा को क्विंसी के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है, और अपना फेवरेट डायलॉग बोलता है। अब हमें एनिमे के हर एक कैरेक्टर के थोड़े थोड़े सीन जल्दबाजी में दिखाए जाते हैं, और इचिगो के लिए इन शब्दों के साथ ट्रेलर खत्म होता है कि वो बन गया है असली सोल रिपर, जिसने कि ऑर्डिनरी सोल रिपर को भी सरपास कर दिया है। इसी के साथ हमारा ट्रेलर खत्म हो जाता है, जिसने कि हाइप और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब कमेंट में बताओ कि कौन कौन इस एनिमे को देखने वाला है, या फिर किस किस ने इसके पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो ऐसे ही नए वीडियो के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।